यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 47। यशायाह अध्याय 47। हे बाबुल की कुमारी बेटी, उतरा धूली पर बैठ। हे कश्तियों की बेटी, तू बिना सिंहासन भूमि पर बैठ, क्योंकि अब तू फिर कोमल और सुकुमार न कहलाएगी। चक्की लेकर आटा पीस, अपना घूंघट हटा और घाघरा उठा ले, और उघारी टांगों से नदियों को पार कर। तू नंगी की जाएगी और तेरी लज्जा प्रकट होगी, क्योंकि मैं बदला लूंगा और किसी मनुष्य को ग्रहण न करूंगा। हमारा छुटकारा देने वाले का नाम सेनाओं का यहोवा और इस्राएल का पवित्र है। हे कश्तियों की बेटी, चुपचाप बैठी रह और अंधियारे में जा, क्योंकि अब तू राज्य राज्य की स्वामिनी न कहलाएगी। मैंने अपनी प्रजा के से क्रोधित होकर अपने निज भाग को अपवित्र ठहराया और तेरे वश में कर दिया। तूने उन पर कुछ दया न की और बूढ़ों पर अपना अत्यंत भारी जुआ रख दिया, और तूने जो कहा भी है कि मैं सर्वदा स्वामिन बनी रहूंगी, सो तूने अपने मन में उन बातों पर विचार न किया और यह भी न सोचा कि उनका क्या फल होगा। इसलिए हे राग रंग में उलझी हुई, तू जो निडर बैठी रहती है और मन में कहती है कि मैं ही हूं और मुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं, मैं विधवा भी किनाए न बैठूंगी और न मेरे लड़के बाले जाते रहेंगे। इसलिए तू अब यह बात सुन कि ये दोनों दुख अर्थात लड़कों का जाता रहना और विधवा हो जाना अचानक एक ही दिन तुझ पर आ पड़ेगी। ये तेरे बहुत से टोनों और तेरे भारी तंत्र मंत्रों के रहते भी तुझ पर अपने पूरे बल से आ पड़ेगी। तूने तो अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा है। तूने कहा है कि कोई मुझे नहीं देखता, तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया है, और तूने अपने मन में कहा कि मैं ही हूं और मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। इस कारण तेरी ऐसी दुर्गति होगी जिसका मंत्र तू नहीं जानती, और तुझ पर ऐसी विपत्ति पड़ेगी कि तू प्रायश्चित करके उसका निवारण न कर सकेगी, और अचानक विनाश तुझ पर आ पड़ेगा जिसका तुझे कुछ भी पता नहीं। तू अपने तंत्र मंत्र और बहुत से टोनों को जिनका तूने बाल्यावस्था ही से अभ्यास किया है उपयोग में ला, कदाचित तू उनसे लाभ उठा सके या उनके बल से स्थिर रह सके। तू तो युक्ति करते करते थक गई है। अब तेरे ज्योतिषी जो नक्षत्रों को ध्यान से देखते और नए नए चांद को देखकर होनहार बताते हैं, वह खड़े होकर तुझे उन बातों से जो तुझ पर घटेगी तुझे बचाएंगे। देख, वे भूसे के समान होकर आग से भस्म हो जाएंगे, वे अपने ही प्राणों को ज्वाला से न बचा सकेंगे। वह आग न तो तापने के लिए अंगारा होगी, न ऐसी होगी जिसके सामने कोई बैठ सके। जिन बातों में तू परिश्रम करती आई है वह सब तेरे लिए वैसी ही होगी, और जो तेरी युवा अवस्था से तेरे संग व्यापार करते आए हैं उनमें से प्रत्येक अपनी अपनी दिशा की ओर चले जाएंगे, और तेरा बचाने वाला कोई न रहेगा।